अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे जी हो रहा जी सुबह का टाइम, तो शदीद धुंध पड़ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना इसको शूट किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए कि पंजाब में देखे कितनी शदीद धुंध है। और ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है जो मैंने आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जी हमने बोर्ड्स रेडी किए थे टीचर्स ने, और ये साइंस टीचर ने बोर्ड रेडी किया, बहुत ही मेहनत की है उन्होंने अपने साइंस के हवाले से, उन्होंने बोर्ड रेडी किया था। यहाँ पे जी ये कंप्यूटर की टीचर बोर्ड अपना रेडी कर रही हैं, तो सब अब मेहनत लगे हुए हैं करने, क्योंकि एनुअल पेपर चल रहे हैं, एनुअल की तैयारियाँ चल रही हैं। तो उस हवाले से हमने अपने क्लासेस को डेकोर करना है, तो इसलिए हमारे जो मैम बॉस हैं उन्होंने कहा था जी अपनी क्लासेस में ही आप बोर्ड लगाएं, अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक देखें और अपना बोर्ड जो है डेकोर करें। और मैं पढ़ाती हूँ जी उर्दू और इस्लाम है, तो मुझे मैंने सर्च किया तो मुझे टॉप मिल गया था एक, मैंने जी खुल्फ़ाए राशिदीन के नाम मैंने देखे थे, वो मैंने करने थे यहाँ पर। तो मैंने पहले मैम से ओके करवाया, तो फिर मैंने मैम ने कहा कि ठीक है ये कर लें आप, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दूसरे दिन का क्लिप है, एक दिन में तो बोर्ड रेडी नहीं था हुआ। ये जो नाम आप देख रहे हैं नीचे खुल्फ़ाए राशिदीन के, ये प्रिंट निकलने थे तो फिर बोर्ड रेडी होना था, तो प्रिंट भी हमारे बड़े अल्लाह अल्लाह करके निकलते हैं हम, क्योंकि जो प्रिंट निकालने वाले बंदे हैं वो बड़े बिजी होते हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके कंप्लीट हुआ बोर्ड, फिर हमने जी इसको क्लास में लगा दिया और अभी एक और बोर्ड रेडी करना है, वो मैं उर्दू पे जो नज़म है इलामा इकबाल की वो मैं लगाऊंगी। तो अभी मैं वैसे भी कुछ चीज़ें करूँगी क्लास में, क्योंकि वो ना मैम ने बोला इस तरह करें इस तरह करें, तो हमने कहा जी ठीक है कर देंगे कोई बात नहीं है। तो बस यही चीज़ें चलती रहती हैं। एक जो टीचर होती है ख़ास तौर पे प्राइवेट टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है, और आजकल तो जो बच्चे हैं ना उनका बस उनको सर पे हमने चढ़ाया हुआ है, और जो टीचर्स हैं वो बच्चों की तरह उनको ट्रीट किया जाता है कि ये आप काम करें तो फिर आपको छुट्टी मिलेगी वरना आपको नहीं मिलेगी, फिर किसी को भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह की बातें होती हैं, तो ये मुझे ज़रा दुख देती हैं बातें, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ज़िंदगी इसी का नाम है, हो जाएंगे हम भी सख्तियाँ सह सह के और सख्त हो जाएंगे, कोई बात नहीं। दिन मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि सूरज कितना भी चमक लेना तो वो समंदर को नहीं सुखा सकता, तो यही बात है कि आप जितना भी कुछ कर लें, जो एक इंसान काबिलियत रखता है ना काम करने की वो आपको करके देगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़।